नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं। इन दिनों हम बहुत सारी ऐसी खबरें देख रहे हैं जिसमें विमान के अंदर पैसेंजर्स एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करते हैं और जो अन्य कैबिन क्रू, इन सब लोगों के साथ वो अपना व्यवहार जो है बहुत बुरा दिखाते हैं। आज ही की बात करूँ तो स्पाइसजेट विमान के अंदर एक पैसेंजर का एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। अब आप देखिए, जो लड़कियां विमान में आपकी सेवा के लिए होती हैं उनसे अगर आप बदतमीजी करते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होगा? और ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा, बहुत सारे भारत से बाहर के देशों में भी ऐसी बातें सुनी जा रही हैं, ऐसी खबरें सुनी जा रही हैं। स्पाइसजेट के मुताबिक सोमवार को दिल्ली से हैदराबाद जा रहे एयरलाइन के विमान में बोर्डिंग के दौरान एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस के साथ गलत व्यवहार किया। और ये भी कहा जा रहा है कि पैसेंजर को जब ऐसा करने से रोका गया तो उसने पूरे केबिन क्रू के साथ अभद्रता की, उनके साथ गाली गलौज किया। और जब हम फ्लाइट में सफ़र कर रहे होते हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो वो आवाज़ जो है अंदर ही अंदर रहती है। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम ज़ोर से बोल रहे हैं तो ट्रेन का साइज़ और ट्रेन की जो व्यवस्था होती है वो, और जो फ्लाइट की जो व्यवस्था होती है, जो फ्लाइट का साइज़ होता है, विमान का जो साइज़ होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो ऐसे में अगर कोई वहाँ चीख चिल्लाट कर रहा है, लड़ रहा है और किसी एयर होस्टेस के साथ वो बदतमीजी कर रहा है तो बहुत बुरा लगता है। इस पे जब ये घटना होती है तो विमान की बोर्डिंग जो है रोक दी जाती है, मामला काफ़ी बढ़ जाता है। तो केबिन क्रू ने पायलट और सिक्योरिटी स्टाफ को इसकी जानकारी दी और उसके बाद ये जो बदतमीजी करने वाला व्यक्ति है उसको विमान से नीचे उतार दिया गया। दोनों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक बुज़ुर्ग शख्स एक एयर होस्टेस से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। एयर होस्टेस उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है और ये शख्स झल्ला के कहता है कि आप हिंदी में बात करो। इतने में एक पैसेंजर आकर के मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन विवाद सुलझता नहीं है, उल्टे बढ़ जाता है। एयर होस्टेस कहती है कि ये शख्स ने उसे रुलाया है। वो ये भी एक लॉजिक देती है कि लड़की रोए तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, अगर लड़का रोए तो सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी एयर होस्टेस ने आकर के पहली एयर होस्टेस को शांत किया और उसे वो वापस अंदर ले जाती है। यह एक सवाल है, आए दिन ऐसी घटनाएं हम सुन रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही, ये आपने भी सुना होगा कि एयर इंडिया जैसी फ्लाइट में एक बुज़ुर्ग महिला पर एक यात्री ने पेशाब कर दिया और एयरलाइंस के सीईओ ने इस पे माफ़ी भी मांगी। तो ये सब क्या है? जो फ्लाइट में यात्रा करने वाले लोग हैं उनको क्या तहजीब नहीं है? एक बुज़ुर्ग महिला बैठी हुई है, उस पे पेशाब करना अपने आप में ज़हनियत दिखाता है। इसका उसके पास कोई लॉजिक नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। बुज़ुर्ग महिला और उसके ऊपर आकर के एक यात्री जो है पेशाब कर देता है। खैर, ये मामला शांत हुआ। मैं एक और आपको केस बताती हूँ। करीब एक महीने पहले थाई स्माइल एयरवेज की एक उड़ान ने, उड़ान के बीच में ही यात्रियों में आपस में मारपीट हो जाती है। मीडिया के तरफ से जो उस दिन की खबरें सामने आई वो ये थी कि ये फ्लाइट बैंकॉक से इंडिया आ रही थी,
और उसके बाद ये जो घटना होती है इसका पूरा एक फोन से शूट किया गया और इसको सोशल मीडिया पे डाला गया। उसके बाद ये पूरी घटना जो है ग्लोबल हो जाती है और थाई स्माइल एयरवेज ने अपनी रिपोर्ट में 37C सीट पर बैठे पैसेंजर को आरोपी बताया था। अच्छा, ये केसेस अचानक से अब बढ़े हैं, तो इसमें सोचने की बात यह है कि अब अचानक से लोगों को ज्यादा गुस्सा आने लगा है, अचानक से लोग ज्यादा हाई पर होने लगे हैं। आप बड़े आराम से अपना चेक इन करवाते हैं, उसके बाद आप अपने बड़े आराम से अपनी फ्लाइट का वेट भी कर रहे होते हैं कि कब आपको विमान में एंटर करना है। तमाम सारे आप प्रोसेस के से गुजरते हैं और उसके बाद आप को किस बात का गुस्सा आ जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने विमान में एंट्री ली और आपने अपना मिसबिहेव शुरू किया। बहुत आराम से लोग विमान में यात्रा कर रहे होते हैं और अचानक से, जैसे पेशाब करने की बात है, जैसे लड़ने की बात है, तमाम सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या मतलब इन सब चीज़ों के लिए भी किसी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप विमान से जा रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना है? या फिर जिस तरीके से यात्रा शुरू होने से पहले उड़ान के दौरान सुरक्षा संबंधी एक सूचना दी जाती है एयरहोस्टेस के द्वारा, तो क्या अब आने वाले समय में विमान में कुछ ऐसी भी बात की जाएगी कि आप आपस में लड़े नहीं, आप जोर से बोले नहीं, आप एक प्रॉपर प्लेस पे जा करके पेशाब कीजिए? ये सब चीज़ें कहने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? दोस्तों, ऐसी घटनाएं हर इंसान को परेशान करती हैं और परेशान करना भी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस कंटेंट पे? ये जो लोग विमान में झगड़ते हैं, एयर होस्टेस को उल्टी सीधी बात करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, इन सब जो खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं, क्या कहते हैं आप? मैं आपकी ऑनेस्ट टिप्पणी चाहती हूँ, आपका ईमानदार कमेंट चाहती हूँ अपने कमेंट सेक्शन में। एक और बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।